जिस एक्सट्रैक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है फॉरगेटिंग एंड इट इज रिटन बाय रॉबर्ट लिंट। रॉबर्ट लिंट अपने इस एक्सट्रैक्ट में क्या कहना चाहते हैं, किस बात को वो इंगित करते हैं, निर्देशित करते हैं, भूलने की आदत कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, इसके बारे में रॉबर्ट लिंट इस एक्सट्रैक्ट में चर्चा करते हैं। रॉबर्ट लिंट बॉर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1949 वॉज बॉर्न इन बेलफास्ट। बेलफास्ट इज नॉर्दर्न आयरलैंड्स कैपिटल एंड आफ्टर हिज एजुकेशन एट द रॉयल एकेडमिकल इंस्टीट्यूशन एंड लेटर एट क्वींस कॉलेज बेलफास्ट ही बिकेम जर्नलिस्ट। ही देन वेंट ऑन टू बिकेम द लिटरेरी एडिटर ऑफ द डेली न्यूज। He wrote on short essays every week for a New Statesman under the pseudonym YY. Later, he became the literary editor of the News Chronicle. He published books include Home Life in Ireland, Rambles in Ireland, The Pleasures of the Ignorance and Blue Loin, and the whimsicality of his writing is the underlying charm of his work. अनएक्सपेक्टेड जो भी चीज़ें रॉबर्ट लिंट अपने एक्सट्रैक्ट में अपने वर्क में बताने का प्रयास करते हैं वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर होता है उनके राइटिंग का एंड ही इज कम्प्लीटली सिंसियर एंड द आर्गूमेंट वेल डेवलप्ड द एसेज आर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक सिंपल भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं और अपनी बात को बखूबी एक्सप्लेन करके बहुत सिस्टमेटिक लॉजिकल तरीके से बताने का हुनर रॉबर्ट लीन को हासिल है। अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट बाय रेलवे ट्रैवलर्स एंड नाउ ऑन सेल एट ग्रेट लंदन स्टेशन हैज बीन पब्लिश्ड एंड मेनी पीपल हु रीड इट हैव बीन एस्टोनिश्ड एट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज। रॉबर्ट लीन यहां से अपनी बात को कहना शुरू करते हैं। एक अखबार में खबर छपती है कि रेलवे से सफ़र करने वाले जो भी ट्रैवलर्स थे वो अक्सर ट्रेन में जो चीज़ें भूल जाते हैं उनका एक सेल ग्रेट लंदन स्टेशन पर लगाया गया है एंड मेन पीपल हु रेट, जिन जिन लोगों ने इस खबर को पढ़ा उनको आश्चर्य लगा अपने अब्सेंट माइंडेडनेस के बारे में और उनके साथियों के इसी आदत के बारे में। इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स वेर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट However, I doubt whether it would be found that absent-mindedness is common. अगर इसका कोई लेखा जोखा किसी रिकॉर्ड में उपलब्ध होता तो लीन कहते हैं मुझे बिल्कुल शंका नहीं है कि absent-mindedness ये जो आदत है भूलने की ये बहुत कॉमन और आम सी आदत है। इट इज द एफिशियंसी रादर देन द इनएफिशियंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपेल्स माई वंडर। अब इसको मनुष्य की मेमोरी का स्मरण शक्ति की इसको आप इनएफिशिएंसी समझिए या फिर एफिशिएंसी समझिए, पर आश्चर्य लगता है कि मनुष्य को क्यों मेमोरी भूलने पर मजबूर करती है। मॉडर्न मैन रिमेंबर्स इवन टेलीफोन नंबर्स। आधुनिक मनुष्य के जब लीन्ड बात करते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि आधुनिक इंसान को टेलीफोन नंबर्स याद है। He remembers the addresses of his friends, अपने दोस्तों के पते याद है। He remembers the dates of birthdays, उनको दोस्तों के जन्मदिन याद है। He remembers appointments for lunch and dinner, खाने के लिए जो भी अपॉइंटमेंट लेते हैं वो अपॉइंटमेंट्स ध्यान में रहती है। His memory is crowded with the names of actors and actresses. सिनेमा में काम करने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के कई सारे नाम उसके मेमोरी में उसे फिट करके रखे गए हैं, याद है, एंड क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स एंड मर्डरर्स टू। न जाने कितनी सारी जानकारियां मनुष्य के मेमोरी में हैं और ये सब चीजें हमें याद आती है, याद कर लेते हैं, ऐसा कैसे चमत्कार मेमोरी के साथ होता है। ही कैन टेल यू What the weather was like in the long past years. मनुष्य के दिमाग में ये सब सारी चीजें मेमोरी में स्मरण शक्ति में बहुत पक्की बैठी हुई है। कई साल पहले किसी एक फलाने फलाने वेदर में किस प्रकार का माहौल था ये भी वो बता सकता है एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल, गांव में आजू बाजू में रीजन में कौन सा एक लोकल होटल फेमस है एट विच ही हैड अ वाइल्ड मील,
या ऐसा कोई होटल है जहाँ खाना बिल्कुल ख़राब मिलता है ड्यूरिंग द समर। इस प्रकार की सारी जानकारी मनुष्य के दिमाग में है। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ अगेन ही रिमेम्बर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर। एक आम आदमी के दिमाग में उतनी सारी चीज़ें होती है जितनी होनी चाहिए। हाउ मेनी मेन और लंडन फॉरगेट अ सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लोदिंग। लंदन में रहने वाले कितने लोग कपड़े पहनते समय कपड़े का कोई अहम हिस्सा भूल जाते हैं। नॉट वन इन 100, 100 में से एक भी ऐसा नहीं होगा कि ड्रेस बराबर ना पहने। ऐसा तो होता नहीं है हमारे साथ कि पैजामा पहन लिए शर्ट पहनना भूल गए या शर्ट पहन लिए पतलून भूल गए। ऐसा तो होता नहीं। और ऐसा हुआ भी तो उनकी संख्या नहीं के बराबर है। नॉट वन इन 100, 100 में से एक भी नहीं। परहैप्स नॉट वन इन 10,000, 10,000 में भी कोई ऐसा एक मिलेगा नहीं। हाउ मेनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर वेन लीविंग द हाउस। बाहर जाते समय घर के बाहर का दरवाजा जाते समय बंद करना भूल ही गए। ऐसे भूलने वाले कितने लोग होंगे। स्केयर्सली मोर एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी रिमेम्बरिंग टू डू द राइट थिंग एट द राइट मोमेंट। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सही चीज़ों को सही समय पर करना जानते हैं। एंड कहाँ तक, टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड। सुबह से लेके शाम तक और रात को सोने के लिए जाने तक वो सारी चीज़ें। एंड देन एन ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स। और अगर बेडरूम में जाना है सोने के लिए तो जाते समय वो लाइट बंद करना भी नहीं भूलते। इसका मतलब यह है कि एक आम आदमी तकरीबन सारी चीजें याद रखता है, मेमोरी में रखता है। देर आर इट मस्ट बी एडमिटेड सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच द मेमोरी वर्क्स विथ लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन। एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारी स्मृति, हमारी मेमोरी एक पर्टिकुलर तरीके से काम करती है। इट्स ओनली अ वेरी मेथडिकल मैन एंड आई इमेजिन हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द मेडिसिन ही इज डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब फॉर हिम। अब ऐसा कोई सिस्टमेटिक व्यक्ति होगा जिसको मेथोडिकल कहते हैं रॉबर्ट लिंट, कि जिसको डॉक्टर ने बताए गए तरीके के समय के अनुसार दवाई लेना याद है। दिस इज द मोर सरप्राइजिंग बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर। अब दवा तो समय पर ले जाने वाली चीज है, समय पर लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये भूल जाता है तो आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत आसान चीज़ है जिसे हम भूल नहीं सकते या भूलना नहीं चाहिए। एज ए रूल इट इज सपोज टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स। नियम के हिसाब से तो दवाई जब लेनी है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार पहले लेना है, बीच में लेना है, या खाने के पहले या खाने के बाद में लेना है। एंड द मील इट सेल्फ शुड बी रिमेंबर रिमाइंडर ऑफ इट। जब खाना खाने की याद है तो दवाई कब लेना है ये भी याद होना चाहिए। द फैक्ट रिमेन्स हाउ एवर दैट फ्यू ऑफ अस रिमेंबर टू टेक आर मेडिसिन रेगुलरली। पर आश्चर्य है हम में से कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समय पर दवा लेना याद रहता है। सर्टन साइकोलॉजिस्ट टेल अस दैट वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कुछ चीज़ें हम भूलते हैं क्योंकि हम उन्हें भूलना चाहते हैं, हमारी वो खुद की इच्छा होती है। एंड इट मे बी दैट इट इज बिकॉज ऑफ देयर डिसलाइक फॉर पील्स एंड मेडिसिन दैट मेनी पीपल फेल टू रिमेंबर देम एट द अपॉइंटेड आवर्स। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती है, दवाइयाँ भूल जाते हैं समय पर लेना, शायद उसके पीछे हमारा डिसलाइक फॉर पील्स छिपा हुआ है। कड़वी दवाइयों को, गोलियों को कौन खाना चाहता है? शायद ये कड़वाहट जिम्मेदार है कि हम दवाइयां अक्सर भूल जाते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन हाउ इट इज दैट अ लाइफ लॉन्ग टेकर ऑफ मेडिसिन लाइक माई सेल्फ इज अ फॉरगेटफुल ऑफ देम एज दोज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली। अब रॉबर्ट लीन कहते मैं तो जिंदगी भर दवाइयां खा रहा हूं, खाते रहता हूं, मेरे जैसा इंसान भी भले ही वो दवाइयों को डिसलाइक करता हो, पसंद नहीं करता, दवाइयां कड़वाहट से भरी हुई नापसंद है, फिर भी मैं भूल जाता हूं अक्सर। द वेरी आइडिया ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज क्योर ऑल डिलाइट्स मी।
सभी लोगों को ठीक कर, क्योर ऑल डिलाइट्स मी, इन सभी लोगों को ठीक करने का एक आइडिया मेरे मन को बहुत भाग्य एक नई आइडिया मेरे मन में आई. येट इवन इफ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स आई फॉरगेट अबाउट इट एज सून एज द आर अप्रोचेस एट विच आई ऑट टू सॉलो इट. कभी कभी तो जेब में रहती है दवाइयाँ, और जब समय आता है उस समय मैं भूल जाता हूँ कि वो जेब में है. मुझे तो पता होता है कि उस समय खाना है और भूल जाता हूँ. इसका फायदा केमिस्ट को जाता है. केमिस्ट मेक देयर फॉर्चून्स आउट ऑफ द मेडिसिन पीपल फॉरगेट टू टेक. लोग अक्सर दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं और तबीयत पर इसका असर होता होगा, और इसका फायदा फिर दवाई वाले को केमिस्ट को होता है. द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज ऑकर्स इन पोस्टिंग लेटर्स. सबसे आम तरीका भूलने का, जो आम एक प्रकार है भूलने का, वो है लेटर को पोस्ट करना. इट इज सो कॉमन दैट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू ट्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर. अगर कोई इम्पॉर्टेंट लेटर है, कोई जा रहा है और मैं उसके हाथ में लेटर दे दूं और मैं उसके ऊपर विश्वास कर लूं कि ये लेटर डालेगा ही, ऐसा मुझसे होता नहीं है. ऐसा लीन कहते हैं. सो लिटिल डू आई रिलाय ऑन हिज मेमोरी दैट आई मेक हिम प्रॉमिस बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम. अब मैं उसके मेमोरी पर थोड़ा विश्वास करता हूँ ये लेटर उसके हाथ में थमाने के पहले. एज फॉर माई सेल्फ इफ एनी वन आस्क मी टू कैरी द लेटर इन माई हैंड आई एम ऑलवेज पास्ट द फर्स्ट लेटर बॉक्स बिफोर आई रिमेंबर दैट आई ऑट टू हैव पोस्टेड इट. अगर मेरी बात की जाए तो रॉबर्ट लीन कहते हैं, अगर किसी ने मुझे पोस्ट करने के लिए लेटर अगर दे भी दिया तो मैं उस लेटर बॉक्स के आगे निकल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता कि पोस्ट करना था करके. आई रिमेंबर दैट आई ऑट टू हैव पोस्टेड इट. और ये भूलने की आदत रॉबर्ट लीन में बरकरार है. वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड आई देन पुट इट फॉर सेफ्टी इन टू वन ऑफ माई पॉकेट्स. भूल न जाओ इसलिए मैंने लेटर को, अखबार को, पत्र को अपने हाथ में लिया, और इस पत्र को, इस खत को अपने हाथ में लेकर मैं चल रहा था तो थक गया पकड़े पकड़े. इसलिए मैंने सुरक्षा के हिसाब से उसको कोट के इनर पैकेट में रखने का प्रयास किया. एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट. सुरक्षित रखने के लिए जेब में डाल दिया और जेब में ही भूल गया. आफ्टर दैट इट स्टेज देयर टिल लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टांसिस लीड्स टू अ नंबर ऑफ एम्बेरेसिंग क्वेश्चन बींग आस्क एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द लेटर फ्रॉम माई पॉकेट. भूल जाता हूँ और बहुत सारे काम कर भी लेता हूँ, फिर भी याद नहीं आता कि मुझे वो लेटर पोस्ट करना था, और लेटर पोस्ट ना करने के लिए बहुत सारी चीज़ें फिर मुझे सुननी पड़ती है. दिस इट माइट बी थॉट मस्ट बी ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर्स. शायद दवाइयाँ समय पर नहीं खाने की वजह थी कड़वाहट, और लेटर पोस्ट करना भूल जाता हूँ इसके पीछे वजह होगी शायद लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर्स. दूसरे व्यक्तियों के खतों में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. शायद ये वजह हो सकती है कि मैं वो लेटर डालना अक्सर भूल जाता हूँ. बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन. पर यह कोई स्पष्टीकरण हो नहीं सकता. फॉर आई इवन फॉरगेट टू पोस्ट सम ऑफ द फ्यू लेटर्स दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट. दूसरों के खतों के बारे में तो बात ठीक है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर कभी कभी तो मैं खुद के लिखे हुए खत भी पोस्ट करना भूल जाता हूँ. इसको क्या कहेंगे? इन ट्रेन्स एंड टैक्सीज आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स. अब एक बात तो समझ में, ट्रेन में सफ़र करते समय कोई किताब भूल गया हो या अपनी चलने की काठी भूल गया हो, वॉकिंग स्टिक भूल गया हो, ऐसा होता नहीं है. एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स. किताबें भी याद है, लेखक को रहती है. वॉकिंग स्टिक्स आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप. मैं चलने की लकड़ी जो हाथ में लेके चलता हूँ वो शायद भूल नहीं पाऊंगा. आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, क्योंकि मुझे बहुत पुरानी आदत है ऐसी लकड़ियों के साथ चलने की. एंड आई बाई देम फ्रिक्वेंटली. और लॉबर्ट लीन कहते हैं कि मैं हमेशा इस प्रकार की स्टिक्स, वॉकिंग स्टिक्स लेते रहता हूँ. बट नो सूनर डू आई पे अ विजिट टू अ फ्रेंड्स हाउस और गो ऑन अ जर्नी इन अ ट्रेन देन अनदर स्टिक इज ऑन इट्स वे इन टू द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट. पर जब भी मैं दोस्तों के यहाँ जाता हूँ, जब भी मैं ट्रेन में सफर करता हूँ, तो समझ लेना कि मेरी स्टिक, वॉकिंग स्टिक खोई गई और दूसरी दुनिया में चली जाती है. एंड आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला. और मुझे मेरी आदत पता है कि मैं जब वॉकिंग स्टिक दोस्तों के यहाँ भूल सकता हूँ, तो मैं अब छाता साथ में ले जाने की रिस्क नहीं लेता.
आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर अ बियर ऑफ लॉसिंग, क्योंकि फॉर अ फियर ऑफ लूजिंग, क्योंकि मुझे याद है, मुझे पता है कि भूलने की आदत है और भूल जाऊंगा, छाता तो महंगे में जाएगा, इसलिए मैं छाता लेकर ही नहीं जाता साथ में। टू गो थ्रू लाइफ विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, हैज समबडी अचीव्ड दिस? छाता लेकर जाना और कभी नहीं भूलना, कहीं पर भी नहीं भूलना, क्या किसी ने ये हुनर हासिल किया है अपनी पूरी जिंदगी में? ऐसा रॉबर्ट ली पूछते हैं। फ्यू ऑफ अस हाउ एवर हैव लॉस्ट मच प्रॉपर्टी ऑन अवर ट्रेवल्स थ्रू द फॉरगेटफुलनेस, भूलने की इसी बीमारी के कारण सफर में बहुत सारी चीजें हम भूल चुके हैं। द ऑर्डनरी मैन अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन विथ ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक सेफ। एक आम आदमी जब रेलवे स्टेशन पर आता है तो अपने बैग्स, बैगेजेस, ट्रंक्स वगैरह सब साथ में लेके आता है। जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे उन्हें अपनी भी बातें याद आ रही होंगी कि हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो भूला ही है। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन ड्यूरिंग द ईयर सच इज दैट इट इज द यंग रादर देन द एडल्ट हु फॉरगेट थिंग्स। रॉबर्ट ली एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। जो चीजें रेलवे स्टेशन पर खो गई या रेलवे में खो गई और रेलवे ने उन्हें सेल के लिए निकाला, उन चीजों को देखने के बाद में इस बात का तो अंदाजा हो जाता है कि भूलने की आदत जवान लोगों में ज्यादा है एडल्ट बुजुर्ग लोगों की तुलना में। एंड स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरीज देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलोज। और जो खिलाड़ी है उनके साथीदार जो होते हैं उनसे तो उनकी मेमोरी बहुत कमजोर होती है। स्पोर्ट्समैन न जाने क्या वजह होती है बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं अक्सर। कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स फॉर इंस्टेंस वेर फॉरगॉटन। अक्सर ये पाया गया है कि बहुत सारे फुटबॉल्स, क्रिकेट की बैट्स खिलाड़ी भूल गए। एंड दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बॉयज रिटर्निंग फ्रॉम देयर गेम्स हैव देयर इमेजिनेशन स्टिल फील्ड विद द विजन ऑफ देयर प्लेइंग फील्ड। ऐसा लगता है कि जब खिलाड़ी या बच्चे क्रिकेट खेलकर या फुटबॉल खेलकर आते होंगे, बैट को या फुटबॉल को ट्रेन में रखते होंगे, तो उस समय वो सिर्फ अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहते होंगे खेल की। फिर उसको बैट बॉल याद ही नहीं रहता। एंड देयर हेड्स आर अमंग द स्टार्स। उनका दिमाग हमेशा तारों में, सितारों में रहता है। और देयर हार्ट्स इन द बूट्स एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लॉइट्स और देयर एरर्स। या फिर उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता होगा, वो अपने फिर गेम में खेले गए तौर तरीके और उनकी गलतियों को याद करते रहते हैं, चीज़ों को अक्सर भूल जाते हैं। दे आर फॉरगेटफुल ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड देम। वो बाहर की दुनिया को भूल जाना चाहते हैं। मेमोरीज प्रिवेंट देम फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोजाइक थिंग्स एज टेकिंग द बॉल और द बैट विद देम व्हेन दे लीव द ट्रेन। अब एक महत्वपूर्ण बात रॉबर्ट लिंड यहां पर वो बताते हैं, कौन सी चीज है जो मनुष्य को भूलने के लिए मजबूर करती है या कौन सी चीज है जो मनुष्य को याद करने से रोकती है। उनका कहना है स्मॉल प्रोजाइक थिंग्स, बहुत ऑर्डिनरी चीजें हैं जो हम बॉल और बैट भूल जाते हैं, वो अक्सर अगर ट्रेन में भूलते हैं तो ये बहुत ऑर्डिनरी चीजें हैं, इससे महत्वपूर्ण कुछ और दिमाग में रहता होगा जो मेमोरी भूलने के लिए मजबूर करती है। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीम लैंड। जब भी प्लेयर्स, फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स ट्रेन में अपना सामान लेकर चढ़ते हैं, बैठते हैं, खेलने के बाद में, तो वो सपनों की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। वो अपनी ही दुनिया में सोचते रहते हैं, उन्हें चीज़ों के बारे में फिर याद नहीं रहता। ये एक वजह हो सकती है कि वो वस्तुएं ट्रेन में भूल जाते हैं। द सेम मे बी सेड नो डाउट ऑफ एंग्लर्स। अब यही बात एंग्लर्स के बारे में भी हो सकती है जो शौकिया तौर पर मछलियां पकड़ते हैं। फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स। अक्सर ये अपने फिशिंग रॉड्स भूल जाते हैं। एंग्लर्स आर जनरली सेड टू बी द बेस्ट एंड द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन। अब जो एंग्लर्स होते हैं जो नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठकर छड़ी लगाकर मछलियां पकड़ते हैं, उनको सबसे कल्पना वाले लोग समझे जाते हैं। एंड द मैन हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिशेंट लाइज ऑन द जर्नी होम आफ्टर अ डेज फिशिंग इज बाउंड टू बी लिटिल अब्सेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर। अगर ये लोग घर में वापस आते हैं सफर से तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ये भूल जाते होंगे। दिस फिशिंग रॉड इज रियलिटी इज फॉरगॉटन एज द डे ड्रीम्स ओवर द फील्ड्स
और द फिशिंग रॉड ऑफ यूटोपिया। हो सकता है मछली पकड़ते पकड़ते किसी यूटोपिया की काल्पनिक दुनिया में ये खो जाते होंगे और चीजें भूल जाते होंगे। ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रॉड, अपना फिशिंग रॉड तक भूल जाते हैं। एज द पोएट मे फॉरगेट द पोस्ट अ लेटर। अब देखो जिस तरह से मछली पकड़ने वाले लोग अगर अपना फिशिंग रॉड भूल सकते हैं तो कभी भी लेटर पोस्ट करना भूल सकते हैं, बिकॉज हिज माइंड इज फील्ड विथ मोर ग्लोरियस थिंग्स। कवि ने वस्तुओं को भूलना सही कि गलत है, रॉबर्ट लिंड इसके बारे में बात करते हैं। ये ऑर्डिनरी चीजें कवि के पोएट के दिमाग में नहीं रहती, ध्यान नहीं आता, लेटर पोस्ट करना भूल जाते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके दिमाग में इससे बेहतर, इससे बेटर और कुछ रहता होगा। Absent mindedness of this kind seems to me all but a virtue. इसलिए रॉबर्ट लिंड इसे श्राप या बुरी चीज नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि भूलना अच्छा है और भूल जाना चाहिए ऑर्डिनरी चीजों को। द absent माइंडेड मैन इज ऑफन अ मैन हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ एंड therefore हैज नो टाइम टू रिमेंबर द prosaic थिंग्स। जो absent माइंडेड लोग हैं, कवि है, स्कॉलर्स से, फिलोसॉफर्स से, ये बहुत सारी चीज़ें अक्सर अगर भूल जाते हैं तो भूल जाने चाहिए, क्योंकि साधारण चीज़ों को ध्यान में रखने लायक कुछ होता भी नहीं है। हुड हैव ट्रस्टेड सोक्रेटिस एंड कॉलरिज टू पोस्ट लेटर्स। हम में से कौन कल्पना कर सकता है कि सोक्रेटिस जैसे फिलोसॉफर या कॉलरिज जैसे कवि लेटर पोस्ट करने जा रहे हैं? ये काम बताएंगे उन्हें हम? दे हैड थॉट अबाउट सच थिंग्स, उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा शायद। एंड द क्वेश्चन वेदर द पोजिशन ऑफ गुड मेमोरीज ऑल टुगेदर डिजायरेबल हैज ऑफन बीन डिस्कस्ड एंड मेन विद फैलिबल मेमोरीज हैव समटाइम्स ट्राइड टू मेक आउट अ केस फॉर देयर सुपीरियरिटी। अब अगर आप दिमाग की बात करेंगे, स्मरण शक्ति की बात करेंगे, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि मेमोरी कवि की भी अच्छी है। A man, they say, who is perfect remembering machine is seldom a man of the first intelligence. जो चीजें व्यक्ति बहुत सारी चीजें के लिए ध्यान में रखता है, लोग उसको ब्रिलियंट समझते हैं, पर ये मशीन जैसा काम, इंटेलिजेंस वाला काम समझा जाता है। एंड ए कोट वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रन और मेन हु हैड मार्वेलस मेमोरीज एंड हु येट हैड नो ग्रेट इंटेलेक्ट। पर एक बात समझने वाली है, जिन लोगों को बहुत सारे नंबर्स याद है, उनको पहाड़े याद है, उनको बहुत सारे वर्ड्स याद है, इसका मतलब वो बहुत इंटेलेक्चुअल है ऐसा नहीं होता। और कवि जो चीजें भूल जाता है उसके पास दिमाग ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। इसलिए दोनों चीजों को रॉबर्ट लिंड अलग अलग करके समझाने का प्रयास करते हैं। आई इमेजिन हाउएवर दैट ऑन द होल द ग्रेट राइटर्स एंड द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक हैव बीन मेन विद एक्सेप्शनल पावर्स ऑफ द मेमोरी। एक बात ध्यान में रखिए, संगीतकार हो जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, राइटर्स हो, नॉवेलिस्ट हो या कवि हो, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्पना शक्ति होती है, एक्सेप्शनल पावर्स ऑफ मेमोरी होती है। द पोइट्स आई हैव नोन हैव हैड बेटर मेमोरीज देन द बिजनेसमैन आई हैव नोन। जिन बिजनेसमैन व्यापारियों को मैं, उनके दिमाग के लिए सारे रेट्स उनको याद रहते, चीज़ें याद रहती, व्यवहार याद रहता है, इसके बावजूद भी ऐसे कई कवियों को, विद्वान लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी मेमोरीज इन व्यापारियों से भी बेटर है। मेमोरी इंडीड इज हाफ द सब्सटेंस ऑफ देयर आर्ट एंड ऑन द अदर हैंड स्टेट्समैन सीम टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बैड मेमोरीज। कवियों के पास अपनी कल्पना शक्ति होती है, पर यहाँ पर देश के लीडर्स की बात रॉबर्ट लिंड कहते हैं, उनकी की मेमोरी जरा कमजोर होती है। लेट टू स्टेट्समैन अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम इवेंट व्हाट हैपेंड फॉर एग्जांपल एट सम इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड ईच ऑफ देम विल टेल यू दैट द अदर स्टोरी इज इनएक्यूरेट। अब पॉलिटिशियंस की अगर आप बात करेंगे तो बोलते कुछ है और याद उनको कुछ आता नहीं है, वादे तो बहुत सारे करते हैं और अक्सर वादे भूल जाते हैं। दो स्टेट्समैन, दो लीडर्स जो फेमस है, वो अगर एक ही मीटिंग की अलग अलग बात करेंगे तो अलग अलग चीज़ें बताएंगे, एक जैसे चीज़ें नहीं बताते। ये ऐसा क्यों होता है, उनके साथ क्यों भूलते हैं? एट द सेम टाइम ऑर्डिनरीली गुड मेमोरी इज सो कॉमन दैट वी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट पसेस इट इज एन एसेंट्रिक आई हैव हर्ड of father who having offered to take the baby out in a pram। एक पिता की कहानी बताते हैं,
साधारण व्यक्ति भी ऐसी बहुत सारी चीजें भूल जाता है और विचित्र लगता है कि ऐसे कैसे भूल जाता है। वॉज टेम्प्टेड बाय सनी मॉर्निंग टू पॉज ऑन द जर्नी। एक पिता अपने बच्चे को प्राम में पैरम्बुलेटर में बिठाकर घुमाने ले जाते थे, और जैसे ही सनी मॉर्निंग सुबह का समय होता था, आसमान में सूरज निकलता था, माहौल बहुत खुशनुमा होता था, एंड स्लीप इन टू पब्लिक हाउस फॉर अ ग्लास ऑफ बियर। और इतना रोमांटिक माहौल देख के वो बच्चे का बाबा गाड़ी वही छोड़कर बियर पीने चले जाते थे, लिविंग द प्रैम आउटसाइड, और प्रैम को आउटसाइड बियर बार के बाहर छोड़ ही देते थे। ही डिसअपियर्ड थ्रू द डोर ऑफ द बार, और बार के दरवाजे से अदृश्य हो जाते थे। अ लिटिल लेटर हिज वाइफ हैड टू डू सम शॉपिंग। बियर पीने के लिए अंदर चले गए, बच्चे को प्रेम में वही छोड़ दिया। कुछ देर बाद पत्नी वहां पर शॉपिंग करने चली गई आजू बाजू में, विच टुक हर पास्ट एंड द पब्लिक हाउस वेयर टू हर हॉरर शी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी। जब पत्नी गई पीछे पीछे कुछ खरीदारी करने के लिए, तो उसको अपना बच्चा बाबा गाड़ी में पैरम्बुलेटर में वही सोया हुआ मिला। एंग्री एट हर हस्बैंड्स बियर। ऐसे कैसे हो सकता है कि पति बियर पीने के लिए अंदर चला जाए और बच्चे को भूल जाए कि प्राण में बच्चा भी है। बच्चे को भूलने की इस आदत को देख के पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। एंग्री एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर शी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। उसने उसको सबक सिखाने का निर्णय लिया। शी व्हील्ड अवे द प्रैम, और वो प्रैम को लेकर घर चली गई। एंड पिक्चरिंग टू हर सेल्फ हिज टेरर व्हेन ही वुड कम आउट एंड फाइंड द बेबी गॉन। वो कल्पना कर रही थी कि कम से कम ये बियर पीने के बाद बाहर आएगा, प्रैम दिखेगा ही नहीं, आग बबूला हो जाएगा, और फिर मुझे वो डर देखना है, बच्चा खो गया हाथ से तो कैसे ये डर जाता है। शी अराइव्ड होम एंटिसिपेटिंग विद एंग्री प्लेजर। पत्नी को लगा कि बच्चे को मैं लेकर आई घर पे, बच्चा उसको पति को नहीं दिखेगा तो डर जाएगा, चिढ़ जाएगा, अब ढूंढने लगेगा और इसकी मैं मजा लूंगी। प्लेजर एंड वाइट फेस एंड क्वेरिंग लिप्स, और थर थराते होठों के साथ वो मेरे पास आएगा। एंड वुड सून अपियर विद न्यूज दैट द बेबी हैड बीन स्टॉलन, और बाद में खबर छप जाएगी कि बच्चा चोरी हो गया है। हाउ एनॉयड शी वॉज हाउ एवर वेन जस्ट बिफोर लंच हर हस्बैंड केम इन स्माइलिंग चेयरफुली एंड आस्किंग। पर थोड़ी देर में खाना खाने के समय हुआ, पति मुस्कुराते हुए घर आया। वेल माई डियर व्हाट्स फॉर लंच टुडे, और पत्नी को मुस्कुराते हुए पूछने लगा, बताइए क्या है खाने में आज। हैविंग फॉरगॉटन ऑल अबाउट द बेबी, वो तो बेबी के बारे में भूल ही गया कि बियर बार के सामने बाहर उसको छोड़ दिया था। एंड द फैक्ट दैट ही हैड टेकन इट आउट विथ हिम, उसको याद भी नहीं रहा कि मैं बच्चे को बाहर लेके गया था घुमाने के लिए। क्यों अक्सर भूल जाते हैं लोग ऐसा। हाउ मेनी मेन बिलो द रैंक ऑफ द फिलोसोफर वुड बी कैपेबल ऑफ सच अब्सेंट माइंडेडनेस एज दिस। रॉबर्ट लीन एक महत्वपूर्ण सवाल अंत में पूछते हैं, हाउ मेनी मेन बिलो द रैंक ऑफ फिलोसोफर, फिलोसोफर के एक तत्वज्ञानी के रैंक के नीचे ऐसे कितने लोग होंगे अब्सेंट माइंडेड एज दिस। मोस्ट ऑफ अस आई फियर, मुझे लगता है कि फिलोसोफर तो नहीं है हम, पर तकरीबन आम आदमी हैं, और ऐसी चीजें अक्सर हमसे होती है। आर बॉर्न विथ प्रोसाइकली एफिशिएंट मेमोरीज, पर खुशकिस्मत है हम लोग कि हम कवि नहीं हैं, हम चीज़ें भूलते नहीं हैं, हम साधारण लोग हैं और हमारे पास साधारण सी मेमोरी भी है। इफ इट वेर नॉट सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी। अगर ये भूलने की आदत नहीं होती और साधारण से साधारण चीज़ें अगर हम ध्यान में नहीं रखते, तो शायद ये समाज ये दुनिया जीवित नहीं होती। इसलिए जो लोग चीज़ें याद रखते हैं वो अपनी जगह पर ग्रेट है, जो चीजें भूलते हैं वो ग्रेटर तो हो सकते हैं, पर जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया को सजीव रखने के लिए और फैमिली को बचाने के लिए चीजों का ध्यान में रखना भी जरूरी है। रॉबर्ट लीन अपनी बात को यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन ग्रामर प्लानेट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड।